हाय फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि YouTube की फंक्शनलिटीज़ क्या है, उसमें जब हम अपलोड करते हैं कोई वीडियो तो क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो फ्रीकैम 8 पे मैंने एक वीडियो कर लिया। हाय फ्रेंड्स, आइए आज एक और। इसमें एक छोटा सा इशू ये हुआ कि जब ये वीडियो मैंने क्लोज़ किया, फ्रेंड्स ने पूछा कि YouTube पे जब अपलोड करते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो उसको हम देखते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू। तो ये वीडियो मेरी तरफ से ख़त्म हो गया 338 पे, लेकिन इसके बाद मुझे थोड़ा इसमें समय लग गया कि इसको रिकॉर्डिंग को बंद कैसे करें, ये ढूंढ के इसको करने में ऐसा हो जाता है कई बार, अननेसेसरी चीज़ें आ गई आपकी, तो इनको कैसे हैंडल करते हैं ये, इसके लिए जो यूट्यूब है ये बहुत हैंडी है। तो यूट्यूब पर जब भी आप अपलोड करें तो सबसे पहले ये देखिए कि आप, नंबर वन तो आप इसमें लॉगिन हैं, आपका वही जीमेल वाला यूज़र नेम पासवर्ड है, आप इस पर काम कर रहे हैं। साथ साथ मेरी आपको एडवाइस है, आप दो चीज़ें और खोल लिया करें। एक तो अपना गूगल ड्राइव खोल लें, drive.google.com, ये आप सीधा यहीं से जा सकते हैं इन पे क्लिक करके, चाहे जीमेल से आ जाइए, गूगल से आ जाइए। और एक बिटली, BITLY, बिटली दिए फ्री अकाउंट इसमें एक बार क्रिएट कर लीजिए। ये URL शॉर्टनर है, देखिए इसका मीनिंग क्या है। पहले हम यूट्यूब की बात करते हैं, आप चाहे अपने कस्टमाइज होम पेज पे हैं या ट्रेंडिंग पे हैं, कहीं पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये वाला एक बार रिकॉग्नाइज करें, क्रिएट अ वीडियो, अपलोड अ वीडियो। तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपना कोई भी ईमेल भेजते हैं किसी को, तो जैसे अटैचमेंट साथ लगाते हैं, तो सिलेक्ट फाइल, कहाँ पर है फाइल, तो मेरी फाइल मैंने की हुई है वीडियोज़ में, वीडियोज़ के अंदर जनरल, और ये वीडियो है मेरा 3cam 8। तो ये अब अपलोड होगा। अब ये कुछ डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, कुछ बातें लाइक ये वीडियो किस बारे में है, इसके कुछ कीवर्ड्स वगैरह आप देखना चाह रहे हैं क्या, तो मैं लिख देता हूँ दिस वीडियो इज अबाउट अदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर FreeCam 8। अब जैसे इसमें मैं इसके साथ ये देना चाह रहा हूँ, अच्छा, कि वो जो मैंने कोई एक्सेल फाइल यूज़ की है या मैंने PPT यूज़ की है, तो उस चीज़ को आप अपलोड कर लीजिए अपने गूगल ड्राइव पे। तो मैंने इसका अलग से एक फोल्डर बना दिया, यूट्यूब वीडियोज़ फाइल्स, और लेट मी सी कि मैंने एक किया था यहाँ पर अपलोड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट से मैं यहाँ पे ये अटेंडेंस वाला एक ये कर देता हूँ, ये मतलब एक डमी है। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे ये गूगल ड्राइव के ऊपर, इसको ओपन कर लीजिए, जो भी आपका जहाँ देखिए ये अटेंडेंस है ना, तो इस पर आप राइट क्लिक करें और आपको मिलेगा गेट शेयरेबल लिंक। तो इस पर जब भी आप कोई भी पर्सन, ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया, अगर आप इसको पूरा देखना चाहें तो देखो कंट्रोल वी, तो ये आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट यहाँ दिख जाएगा, और दूसरा पर्सन जिसके पास भी ये लिंक होगा, कोई साइन इन रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी लंबा सा लिंक आता है, तो इसमें हम इस चीज़ को शॉर्ट कर सकते हैं। तो bitly.com पे आप इसको रिकॉर्ड कर, ये अकाउंट बना के, और देखिए इतना लंबा सा है ना, इस लंबे का एक छोटा सा आ जाएगा, बस ये छोटा सा आ गया आपका कस्टमाइज, इसको कॉपी कर लीजिए। और ये चीज़ अब मैं यहाँ पे अपने साथ ही डाल दूँगा, दैट वर्ड फाइल अवेलेबल है यहाँ पर इस लिंक पे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कोई आपने थंबनेल देना है क्या, कि यानी वीडियो जब आपको दिखाई दे तो छोटा सा उसका क्लिप क्या दिखाई दे। अगर आपने वीडियो में से कुछ उठाना है, यहाँ आ जाएंगे अभी, अगर आपने अपना कोई थंबनेल बनाना है, जैसे मैंने इसका एक बना रखा है कि मैं यहाँ पे वो दिखाऊंगा यूट्यूब वाला ऑप्शन, तो इसका आपको कोई आइकन आपके पास होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये यूट्यूब ले रखा है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यहाँ ले रखा है, तो ये इसका अब ऐसा दिखाई देगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कोई प्लेलिस्ट है आपकी, तो हाँ मैंने ये प्लेलिस्ट नेटवर्किंग और जनरल कंप्यूटर इसमें डाल रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है। क्या ये बच्चों के लिए है, नहीं। कोई एज रेस्ट्रिक्शन हो, नहीं, वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये पूछता है कि एंड स्क्रीन में क्या देना है। एंड स्क्रीन का मतलब जैसे ही एक वीडियो ख़त्म हो, आपने देखा वो अगले वीडियोस के आ जाते हैं लास्ट में कि अगला वीडियो ये है, वो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा होता है प्राइवेट वीडियो, आप इसको अभी प्राइवेट कर सकते हैं, थोड़ा एडिटिंग के बाद देख लें, शेड्यूल कर सकते हैं इस डेट पे इतने बजे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। और ये आपके वीडियो का URL है जो आप कहीं पे भी शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो मैं अभी से प्राइवेट वीडियो ही सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए ये आपके एक YouTube एडिटर के अंदर आप आ जाएंगे। अब YouTube एडिटर पे यहाँ लिखा हुआ है डैशबोर्ड, आपके सारे समरी वगैरह, ये आपके सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, एनालिस्ट है। अगर मैं इसी वीडियो पे डबल क्लिक करूँ तो ये खुल जाता है YouTube एडिटर, ये वही चीज़ है,
यहाँ पे भी ये जो हमने पहले डिटेल दी है वो सारी डिटेल्स आ गई हैं। और देखें इसमें, इसमें एक लेफ्ट साइड को आपको दिखेगा डिटेल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में मतलब कितने लोगों ने देखा, कहाँ पर देखा, कौन से टाइम पे, इसका व्यूअर के बारे में। एडिटर पे आते हैं, अब आप इसमें ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं। अब मुझे याद है मेरा वीडियो 338 से आगे कुछ मुझे ट्रिम करना था, तो मैंने किया ट्रिम, और आप चाहें तो इसको प्ले भी कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आइए आज एक और, तो मैं सीधा इसको ले जाता हूँ बार को 338 पे। सो 338 आई थिंक समवट यहाँ होगा शायद, 316 है ये, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, 340 हो गया यहाँ पे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू। ओके, यानी यहाँ मुझे वीडियो को स्टॉप करना है, इसके आगे का ये अननेसेसरी है। तो अब मैं इसको पीछे से पकड़ के और यहाँ कर देता हूँ, तो ये अब मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो दो लाइन है, ये है वीडियो और ब्लू वाली लाइन है कि कहाँ पे ख़त्म हो जाए, चीज़ें की जाती हैं, तो उसको हम देखते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू। ओके, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। तो इसको अब हम कर देते हैं सेव यहाँ पे, वॉन्ट डिस्प्ले दिस, ठीक है, कोई इशू नहीं। और हम यहाँ बोलते हैं और प्रीव्यू करके देख लें एक बारी, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि अभी सेव करने में टाइम लेगा, आप अभी इसको या तो सेव हो जाने दें, उसके बाद लोगों से इसको शेयर करें। ये थोड़ा सा 3-4 मिनट लेता है, इसमें लिंक के साथ सेट करता है कि लिंक पे पूरा वीडियो तो आपका यहाँ तक था 4-9 तक, अब 337 पे ये अपना स्टॉप कर देगा। तो जब ये अपना हो जाए, अब आप वापस भी आ सकते हैं अपने उसमें, और इसको थोड़े टाइम के बाद जब ये एक बार हो जाए पूरा, तब दोबारा से क्लिक करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है। और ये आपका वो URL है, इसका आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या आप सीधा बाहर से भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं, इतने बजे आ जाए, या यहीं से सीधा पब्लिक यहाँ से भी कर सकते हैं। सो जो, और जैसे कई बार आपने शायद देखा होगा लोगों को कि वीडियो को फास्ट कर दिया, जैसे हम ए प्लेस से बी प्लेस जा रहे हैं, अब यूज़र के वो किस काम का, तो उसको आप डबल स्पीड कर दें, कोई चीज़ स्लो मोशन में कर दें, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप एडिटर में देखिएगा, डबल क्लिक करने से एडिटर आ जाता है। सो आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक और भी ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मोनेटाइजेशन का भी होता है कि आप क्या इस पे चाहते हैं कि मतलब YouTube इसको मोनेटाइजेशन के लिए कंसिडर करे, तो वो डिपेंड करता है आपका कितना ट्रैफिक आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेवेन्यू मिलता है। तो वो जनरली या तो नंबर वन इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिस पे बहुत हाई ट्रैफिक आए आपका, तब मोनेटाइजेशन होता है। इसके कई वीडियो हैं कि मोनेटाइजेशन के क्या रूल्स हैं, कैसे काम करते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।